मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में माफिया राज फिर से हावी हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने सभी प्रकार के माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया था। साथ ही कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इमरती देवी करोड़ों की बात करती है, लेकिन वो खुद बिक गई थी। कमलनाथ ने कहा कि मैं किसानों, नौजवानों और मतदाताओं पर भरोसा करता हूं, वो सच्चाई का साथ देंगे। देखिए बीएसपी 24 न्यूज चेयरमैन बालकृष्ण तिवारी की है खास रिपोर्ट। ये छोड़ो, ये सब देखिए, इमरती जी कुछ भी बोले, उज्जैन में जो हुआ है, इमरती जी खुद वो तो करोड़ों में बात करती है, करोड़ों में बात करती है। ये बिके हुए लोग के पास क्या कहेंगे, हम बिक गए, ये तो आरोप भी लगा सकते हैं। कोई खुद खड़े होकर तो नहीं ऐलान करेगा कि मैं बिक गया था, साफ बात ये है। पर जो उज्जैन में ये शराब माफिया फिर से जो पिछले 7 महीनों में उत्पन्न हुआ है, बड़ी दुख की बात है। फिर से मध्य प्रदेश में माफिया हावी हो रहा है। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया था, मैं कोई मुझे दबा नहीं सकता था, कोई मुझे पटा नहीं सकता था, पर आज तो माफिया का राज है। माफिया, मिलावट, ये सब चीज़ें, और आम जनता गवाह है। मैं तो भरोसा कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, मध्य प्रदेश के नौजवानों पर भरोसा कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के किसानों पर, छोटे छोटे व्यापारियों पर मैं भरोसा कर रहा हूँ। और मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे छोटे व्यापारी मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। सर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का ये छोड़ो यार, ये सब कानून व्यवस्था।